हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह, समीक्षा अधिकारी जॉब मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम आज अपनी पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज के पार्ट 14 को लेकर आए हैं, जहाँ पर हम 15 क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी पार्ट्स The Indian Constitution was divided at the time of its commencement, अर्थात प्रारंभ में भारतीय संविधान को कितने अध्याय या भाग में विभाजित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 22। ठीक, तो जब प्रारंभ में, ठीक है, इनिशियली जो हमारा संविधान था और इस समय जो प्रेजेंट में है, दोनों में काफी अंतर आ गया है। इनिशियली हमारे संविधान में 22 पार्ट हुआ करते थे, 22 पार्ट्स हुआ करते थे, जो कि अब बढ़कर हो गए हैं 25। तीन नए पार्ट्स को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, इनिशियली जब संविधान आया था तो उसमें केवल 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे, अब उन आर्टिकल्स या अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर हो गई है 448। ठीक है, अब आपको आर्टिकल्स का एक रफली आइडिया होना चाहिए कि अराउंड मतलब 450 आर्टिकल्स इस समय हो गए हैं। ये थोड़ा घटते बढ़ते रहते हैं आर्टिकल्स, ठीक है, बाकी पार्ट और जो शेड्यूल होते हैं वो फिक्स रहते हैं। इनिशियली 8 शेड्यूल थे, मतलब होता है अनुसूचियां। ठीक, अब इस समय कितनी है, 12, 4 अनुसूचियां ऐड की हो गई है। ठीक, तो ये अंतर है प्रारंभ के संविधान में, ठीक, यानी इनिशियल में जो आया था और इस समय के संविधान में। ये टेबल वाइज आपको समझ में आ रहा होगा कि इनिशियली 22 पार्ट थे, अब 25 हो गए हैं, 395 आर्टिकल थे, अब 448 हो गए हैं, 8 अनुसूचियां थी तो 12 हो गई है। ये आपको टेबल पूरी पूरी याद रखनी है। पूछा जाता है कि शुरुआत में क्या था और आज क्या है। ठीक, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया हमने, अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आज का, हु इलेक्ट्स द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अर्थात राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है, कौन मतलब राज्यसभा के सभापति के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट करता है और वोट डाल के उनको चूज करता है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। देखिए, पहली बात तो राज्यसभा जो है हमारे किस अनुच्छेद या आर्टिकल में आती है, ये आती है आर्टिकल 80C, और राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, ठीक, वो कोई और नहीं हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक, हमारे और वाइस प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल डिफाइन है क्या, आर्टिकल 63। ठीक, जहां पे ये कहा गया है कि हमारे देश का एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा। हम अपने देश में केवल उपराष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं, और उपराष्ट्रपति चुनने के बाद वो अपने आप चेयरमैन बन जाता है राज्यसभा का। ठीक है, तो हम चुनाव किसका कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट का, राज्यसभा के चेयरमैन का चुनाव नहीं कर रहे। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो मतलब ये एक प्रकार समझ लिए कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन भाग ले रहा है। तो दो लोग भाग लेते हैं, एक तो लोकसभा के सभी मेंबर्स और एक राज्यसभा के सभी मेंबर्स। ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक, विच विल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक, तो ये बात आप समझ गए होंगे, कुछ ज्यादा ही अंग्रेजी हो गई ना, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, कभी कभी अंग्रेज जाग जाता है मेरे अंदर का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज सिलेक्टेड एज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 11 दिसंबर 1946, अर्थात 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, संविधान सभा थी, उसकी पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, जहां पर सबसे पहले डॉक्टर सचिदानंद
ठीक है, सिन्हा को कंस्टिट्यूएंट असेंबली का एक टेम्पररी, ठीक है, यानी अस्थाई चेयरमैन बनाया गया, और ये हमारे इस प्रकार से कंस्टिट्यूएंट असेंबली के पहले चेयरमैन बने। बाद में 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए तो उन्हें परमानेंट मेंबर बनाया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही पूछा गया है, ठीक है, कि किसे परमानेंट चेयरमैन बनाया गया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली का 11 दिसंबर को, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब कुछ बातें जान लेते हैं हम लोग कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, कि 24 जनवरी 1950 देश रिपब्लिक हुआ था, गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उससे जस्ट 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को इसकी आखिरी मीटिंग हुई थी, लास्ट सिटिंग हुई थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली की। और इस दिन कुछ काम किया था लोगों ने, पहली बात तो जो हमारे देश का नेशनल एंथम है, ठीक है, राष्ट्रगान जिसे हम कहते हैं, उसे अपना लिया गया इसी दिन, ठीक, जो राष्ट्रगीत होता है, राष्ट्रगीत उसे अपनाया गया, और जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये तीन चीजें उस दिन की गई आखिरी मीटिंग में कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, कि हमने राष्ट्रगान को चूज किया, राष्ट्रगीत को, और राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चूज किया गया आखिरी मीटिंग में कंस्टिट्यूएंट असेंबली की, जो कि हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। देखिए, ये गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले की दम जस्ट बात है, ठीक, आप याद रखेंगे। पूछा जाता है ये सब बातें एग्जाम में, तभी मैं डिस्कस करता हूँ। मैं ऐसी कोई बात डिस्कस ही नहीं कभी करूंगा जो एग्जाम में नहीं पूछी जाती। कोई जो भी बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से और अलग अलग क्वेश्चन सेट्स को लगा के सीखी है, क्या पूछा जाता है एग्जाम में, क्या नहीं पूछा जाता है, ठीक। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, अर्थात भारतीय संविधान में जो संघवाद है वो किस देश से लिया गया है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा कनाडा, जो हमारे देश में संघवाद है वो कनाडा से लिया गया है। संघवाद का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, जो हमारे देश में केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं उनके बीच क्या हो, पावर का डिवीजन, कि कौन किस क्षेत्र में कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि केंद्र बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए और वो पूरा पूरा राज्यों को अपने अधीन कर ले, ये संभव नहीं है हमारे, यही होता है संघवाद। तो संघवाद के कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक, कुछ गुण होते हैं, वो कुछ इस प्रकार है। जैसे पहला ही है डिवीजन ऑफ पावर, मतलब कौन क्या करेगा। दूसरा है कि ड्यूअल गवर्नमेंट होती है, ड्यूअल गवर्नमेंट जैसे बता रहा हूं कि एक सेंट्रल लेवल पे है, एक स्टेट लेवल पे है, इसे कहते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिटी। फिर होता है बाई कैमरलिज्म होता है, मतलब दो सदन होता है, ठीक, जैसे हमारे पास केंद्र में है एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, ठीक है, जो राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जो लोकसभा है वो केंद्र का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। फिर चौथा है कि हमारे यहाँ एक लिखा हुआ, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और उसकी सुप्रीमेसी है, हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है, सुप्रीम है वो, और रिजिड है हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो संविधान के तीनों गुण हैं कि वो लिखा हुआ है, सुप्रीम है और रिजिड है, ये तीनों ही संबंधित है किससे, संघवाद से, ठीक। और पांचवा है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट मतलब आजाद जुडिशरी, तो जो जुडिशरी है वो ना सेंट्रल के कंट्रोल में ना वो स्टेट के कंट्रोल में, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि टाइम टाइम पे किसी भी विवाद को सुलझाती है और बताती है कि सेंट्रल के क्या कार्य होंगे और स्टेट के क्या कार्य होंगे, और दोनों में किसी भी मुद्दे पे विभेद होने पे उसे रिजोल्व करती है, ठीक है। तो ये रहा संघवाद जो कि लिया गया है कनाडा से। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
लोकसभा स्पीकर एड्रेसेस हिज हर रेजिग्नेशन टू होम अमॉन्ग द फॉलोइंग, अर्थात एक लोकसभा अध्यक्ष अपने इस्तीफे को किसको संबोधित करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, डिप्टी स्पीकर, अर्थात जो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर होता है उसको अपना रेजिग्नेशन देता है स्पीकर। तो जो हमारे देश में स्पीकर होते हैं लोकसभा में, जो लोकसभा पहले किस आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 81, इसमें होते हैं स्पीकर, इसके अध्यक्ष होते हैं। स्पीकर के बारे में हम काफी बातें जानेंगे, ये अपना रेजिग्नेशन देते हैं डिप्टी स्पीकर को। जो स्पीकर होते हैं और डिप्टी स्पीकर, ये दोनों लोग का ही लोकसभा में चुनाव होता है, मतलब स्पीकर को भी लोकसभा के मेंबर्स चुनते हैं और डिप्टी स्पीकर को भी लोकसभा के मेंबर ही चूज करते हैं। ठीक, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देगा अपना रेजिग्नेशन और डिप्टी स्पीकर किसको देगा, स्पीकर को देगा। ठीक, अब स्पीकर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हम जान लेते हैं। एक तो जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, जो संयुक्त बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, स्पीकर ही करेगा। आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग के बारे में प्रावधान है, तो ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा, स्पीकर करेगा। जो आपका डिसाइडिंग वोट होता है, ठीक है, डिसाइडिंग वोट वो कौन देगा, स्पीकर देगा। एक्चुअली क्या होता है, जब मान लीजिए किसी ऐसे मुद्दे पे सदन में बंटवारा हो जाता है और पक्ष और विपक्ष दोनों में बराबर वोट पड़ते हैं, तब जाके स्पीकर के पास पावर आती है कि वो वोट डाल सकता है। उससे पहले उसे वोट डालने की ताकत नहीं रहती है, तब उसके पास वोट डालने की ताकत आती है और वो भी डिसाइडिंग वोट कहा जाता है, क्योंकि वो जिसके पक्ष में डालेगा वो जीत जाएगा, दोनों ओर 50% है। अब जिसके पक्ष में स्पीकर दे देगा वो पक्ष जीत जाएगा, तो इसीलिए जो स्पीकर का वोट होता है उसे डिसाइडिंग वोट कहते हैं। ठीक है, और हाँ, मनी बिल जो धन विधेयक होता है, वो धन विधेयक है कि नहीं ये कौन डिसाइड करता है, स्पीकर ही डिसाइड करता है और उसी का फैसला अंतिम होता है, इस पे कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। ठीक, फिर जो हमारे भारतीय संसदीय समूह है, मान लो कभी कोई मीटिंग हो रही है जिसमें जितने भी भारत के सदन है उसके सभी मेंबर्स और चेयरमैन इकट्ठा हुए हैं, तो उसे कहेंगे हम क्या, भारतीय संसदीय समूह। एक सेकेंड, भारतीय संसदीय समूह, तो जो इसका पदेन अध्यक्ष होता है वो स्पीकर ही होता है, मतलब जो इस पूरे मीटिंग को चेयर करेगा, जो अध्यक्षता करेगा वो स्पीकर ही करेगा। ठीक, और जो भी पार्लियामेंट्री कमिटीज बनती हैं, जो भी कमिटीज बनती है ना, जितने भी समूह होते हैं, उन सभी के जो चेयरमैन होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, उनको कौन चूज करता है, स्पीकर ही चूज करता है। तो ये कुछ बातें थी स्पीकर से संबंधित, काफी इंपॉर्टेंट, तो मैं कहा बता दूं। आप मुझे ये बताइएगा, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस समय प्रेजेंट में हमारे स्पीकर कौन है, तो आप लोग इस बारे में जरूर जवाब दीजिएगा कि इस समय हमारे देश में प्रेजेंट में स्पीकर कौन है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाउ, अर्थात भारतीय संविधान में अभी कितनी अनुसूचियां हैं। इसका सही आंसर होगा सी, जैसे कि पहला क्वेश्चन में बताया गया है कि इनिशियली शुरुआत में 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, जो कि अब हो गई हैं बनके 12, क्योंकि 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। ठीक है, 4 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं, तो 9वीं अनुसूची जो 9th शेड्यूल है वो है आपका भूमि सुधार से संबंधित। ठीक, भू सुधार। ठीक, जो 10वीं है ये है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये किस किस संशोधन से लिए गए हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही हो जाएगा मुझे लगता है। दल बदल विरोधी कानून जो है वो कहाँ पे है, 10वें अनुसूची में, 11वें में क्या है, पंचायत है, 12वें में क्या है, नगर पालिका। ठीक, तो ये अनुसूचियां हैं जो 4 वार्ड में ऐड की गई थी, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, 10वीं दल बदल विरोधी कानून, 11वीं पंचायत, 12वीं नगर पालिका। तो देखिए मैं एक बार बता भी देता हूँ, आप लोग इस बार याद रख पाएगा तो कोशिश करिएगा इसे याद रखने की।
तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1951 में, उसके द्वारा भूमि सुधारों को जोड़ा गया था। ठीक है, दल बल विरोधी कानून जो था, ये 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पंचायत को जोड़ा गया था 73वें से, ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। और जो नगर पालिका था इसको जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ बात इंपॉर्टेंट बातें थी, आप लोग याद रखिएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अर्थात इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो देखिए, इसके लिए मैंने साथ में एक स्क्रीनशॉट लगा के रखा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य ये थे, 7 लोग थे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ज्यादा मेंबर थे, करीबन 284 मेंबर थे, 85 मेंबर। अब ऐसा नहीं है कि सभी का मेंबर आप सभी का नाम याद रख पाएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो वो आपसे ये पूछेगा नहीं कि 284 मेंबर बताओ, वो जो 7 इंपॉर्टेंट मेंबर्स है ना, वो ये प्रारूप समिति के पूछना चाह रहा था कि जो आप ड्राफ्टिंग कमिटी है उसके मेंबर्स आपको पता है कि नहीं पता है। आपको ये नाम 7ों लोग के याद रखने होंगे, ये ड्राफ्टिंग या प्रारूप कमिटी के 7 सदस्य हैं। इसमें भीमराव अंबेडकर जो है ये इसके चेयरमैन थे इस ड्राफ्टिंग कमिटी के। ठीक है, फिर एन गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर और डी पी खेतान। ये आपको 7ों नाम याद रखने होंगे, मैंने भी धीरे धीरे कई बार देखते हुए टुकड़े टुकड़े में याद किया। ठीक है, आप भी अपनी कुछ ट्रिक बना लीजिएगा और इन 7ों नाम को याद रखिएगा, क्योंकि जब भी मेंबर्स पूछे जाएंगे वो इसी में होंगे। इस बार तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा की बात कर लिया, कभी वो संविधान सभा का ना नाम लेके कह देगा प्रारूप समिति के ये सदस्य हैं कि नहीं है। तो आपको ये सभी 7ों नाम याद होने चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और पूछा था प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक, तो अब जैसे देखिए, के एम मुंशी, हाँ बिल्कुल मुंशी साहब हैं, के एम मुंशी तो ये मेंबर थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, हाँ बिल्कुल सही, एन गोपाल स्वामी अयंगर हैं, हाँ देखिए हैं इस। ठीक, एच एन बेग, नहीं ये नहीं है, आप जैसा नाम देखिए एच एन बेग यहाँ पे कहीं आपको दिखेंगे नहीं। टी टी कृष्णामचारी, हाँ बिल्कुल सही, टी टी कृष्णामचारी हैं हमारे पास, टी टी कृष्णामचारी। अच्छा, ये बदल दिए गए थे ना बीच, इसमें नाम नहीं दिया हुआ है, टी टी कृष्णामचारी भी थे। ठीक है, ये बाद में क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई थी इसलिए इनकी जगह, ठीक है, बी एल मित्तल ने ली थी। टी टी कृष्णामचारी थे लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी, तब इनकी जगह बी एल मित्तल ने ली थी। ठीक है, तो ये 3 मेंबर्स थे, कौन नहीं था, एच एच बेग नहीं थे। तो ये होगा सही आंसर कि ये मेंबर नहीं थे। आपको लेकिन ये याद रखना है कि कौन कौन मेंबर थे, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा इस प्रारूप समिति के मेंबर्स को। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वॉज द पंचायती राज एस्टेब्लिश इन राजस्थान, राजस्थान में पंचायती राज किस वर्ष में स्थापित हुआ। अब ऐसा नहीं है कि आपको हर राज्य में याद रखना है, बल्कि ये वो पहला राज्य था जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को स्टैब्लिश किया गया था, इसलिए इसके साल को पूछ लिया गया। तो जब हमारे पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पहली बार पंचायतों को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, जिस दिन गांधी जी का जन्मदिन है, 2 अक्टूबर 1959 में पंचायतों का उद्घाटन किया था। सबसे पहले कहां पर, राजस्थान, और राजस्थान में भी कहां पर, राजस्थान का जिला था नागौर जिला, वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती जो पहली पंचायत थी उसको स्टैब्लिश किया था। फिर आगे चल के आंध्र प्रदेश के कार्नूल जिले में भी, कार्नौल जिले में भी स्थापित किया गया था कार्नौल, पंचायती राज। तो इसीलिए पूछा जा रहा है, ये सबसे पहले भारत में पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। असल में आपसे यही पूरा बात पूछना चाह रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, 1959। ठीक,
तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इन इंडिपेंडेंट इंडिया, अर्थात स्वतंत्र भारत में राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो मैं बता चुका हूं कि जो लोकसभा थे, लोकसभा के प्रथम जो लोकसभा थे उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। ये तो सभी लोग को याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ये इतनी बार पूछा गया इसका कोई अंत नहीं है, जीवी मावलंकर बहुत इंपॉर्टेंट है। और राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे, तो वो हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट ही थे। और हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर एस राधा कृष्ण। तो डॉक्टर एस राधा कृष्ण जो कि हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वही हमारे देश के राज्यसभा के पहले चेयरमैन भी होंगे। ठीक, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन हो गया बी। ठीक, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन, अर्थात संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित हुआ था। तो इस क्वेश्चन के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर से इस बारे में डिस्कस करूंगा कि इसका पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। तो जो कैबिनेट मिशन थी, कैबिनेट मिशन 1946 में आई थी, इसकी रिकमेंडेशन के आधार पर कंस्टिट्यूएंट असेंबली अर्थात संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा की जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9th ऑफ दिसंबर 1946 में, जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अनुपस्थिति के कारण सचिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब उपस्थित थे तो उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट चेयरमैन बनाएंगे। ठीक, तो पहली मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, तो ये बातें आपको अब समझ में आ गई होंगी, किसकी रिकमेंडेशन के आधार पर गठन हुआ था, कैबिनेट मिशन के। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रोवाइड्स, अर्थात पंचायती राज क्या प्रदान करता है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन बैकवर्ड एरियाज। नहीं, पंचायती राज का एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए नहीं इस्टेब्लिश किया गया था। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन एट लोकल लेवल, लोकल लेवल पर डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सही, इसी के लिए किया गया था। सुटेबल ऑपरेशन ऑफ रेवेन्यू एट रूरल लेवल, नहीं ऐसा नहीं है, रेवेन्यू के लिए ठीक है इसका गठन नहीं किया गया था। एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशन रूरल एरियाज, नहीं ऐसा नहीं, एजुकेशन के लिए नहीं गठित किया गया था। सही ऑप्शन होगा बी, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन एट लोकल लेवल। देखिए बात समझते हैं, पंचायती राज को ना हमारे संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो इसका ऑब्जेक्टिव था डिसेंट्रलाइजेशन, डी सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, अर्थात जो हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है ठीक है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, उसको ग्रास रूट लेवल तक लाया जाए। ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी केवल शहरों और बड़ी बड़ी जगहों पे दिखे, वो गांव के जमीनी स्तर तक भी हो। ठीक है, उसके लिए पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए जो सही ऑप्शन हो रहा है वो बी हो रहा है कि डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन एट लोकल लेवल, जो स्थानीय है स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन की स्थापना करना, यही पंचायती राज का उद्देश्य था। और यही कुछ बातें थी इससे संबंध में। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 वर्क इन फैक्ट्रीज, विच फंडामेंटल राइट इज वायोलेटेड फॉर प्रोवाइडिंग वर्क टू दीज चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों में काम करते हैं, इन कारखानों में काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कल्चरल एजुकेशन। राइट ऑप्शन विल बी बी, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। देखिए हमारे संविधान में राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन है ठीक है, जिसमें 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल जो 23 है वो कहता है कि मानव व्यापार का प्रतिबंध
प्रतिषेध, ऐसा नहीं है कि आप किसी को बेच खरीद सकते हैं, ये हमारे देश में मना है। ठीक है, आप किसी भी मानव अंग के या मानव का खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। कोई भी ह्यूमन एक लिविंग थिंग है, वो कोई सामान नहीं है। तो जो मानव व्यापार है उसका प्रतिषेध है, मतलब बैन है। आर्टिकल 23 ये कहता है, और आर्टिकल 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से, अगर छोटे बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम बच्चों का जो कारखानों में काम करना है ना, वो वैलिड नहीं है, वो गलत है, और न वो उन्हें काम करना अलाउड नहीं किया जाएगा 14 वर्ष से अगर बच्चे छोटे हैं। 14 साल से कम बच्चों को पढ़ाई लिखाई में इंडल्ज होना चाहिए, ठीक है, न कि कारखानों में काम करना चाहिए। तो वो आर्टिकल 24 से आया था, ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा किस आर्टिकल से संबंध है, आर्टिकल 24, और किस राइट के अंदर आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि एक फंडामेंटल राइट। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर कोई भी कारखाने का मालिक किसी बच्चे को काम देता है जिसकी उम्र 14 साल से कम है, तो इस फंडामेंटल राइट को वायोलेट कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ठीक, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया इज रिपब्लिक, इट मींस, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि जो पूर्ण सत्ता है वो भारत के लोगों के हाथ में है, और जो भारत का जो प्रमुख है वह इलेक्टेड होता है, उसका चुनाव किया जाता है। द स्टेट इन विच सुप्रीम पावर रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द पीपल एंड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। रिपब्लिक, देखिए हमारी जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ जानने बड़े जरूरी हैं, वही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे रिपब्लिक शब्द की बात कर रहा है, ये भी हमारी प्रस्तावना में है। रिपब्लिक का मतलब होता है, इसको हिंदी में गणतंत्र भी कहते हैं, कि जो हमारे देश में जो प्रमुख है, जो हमारे देश का प्रमुख है, हेड ऑफ द कंट्री है। हेड ऑफ कंट्री कौन है हमारे देश का? संवैधानिक रूप से हमारे देश का जो प्रमुख है वो कौन है? प्रेसिडेंट है। संवैधानिक रूप से संविधान में लिखा है कि हमारे देश का प्रमुख कौन होगा? प्रेसिडेंट। लेकिन गवर्नमेंट का हेड कौन होगा? गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का हेड कौन होगा? पीएम होगा। यहां पे उसकी बात नहीं की जा रही है, हम इसकी बात नहीं करेंगे गवर्नमेंट के हेड की, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द कंट्री कौन है हमारे देश में? वो है प्रेसिडेंट। तो जो ये हमारा जो हेड ऑफ द कंट्री होता है, उसका इलेक्शन होगा, ठीक, उसका चुनाव करके आएगा। ऐसा नहीं है कि वो वंशानुगत रूप से उसे आप नहीं ला सकते कि राजा का बेटा राजा बनेगा, नहीं, ये हमारे देश में वैलिड नहीं है। प्रेसिडेंट जो होगा उसका इलेक्शन होगा। इस प्रकार से क्या होता है कि जो सुप्रीम पावर है हमारे देश में वो किसमें है? लोगों के हाथ में है, लोगों के हाथ में सारी पावर है, वो जिसका चुनाव करेंगे वही हमारे देश का प्रमुख बनेगा। ठीक, तो इस तरह से सही ऑप्शन हो गया सी, द स्टेट इन विच द सुप्रीम पावर रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द पीपल एंड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उनके चुने हुए लोगों में। चलिए, हम कभी मैं अलग से प्रियम्बल के एक एक शब्द को डिस्क्राइब कर दूंगा, अभी तो आगे चलते हैं कि इलेक्शंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर डन एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ, अर्थात भारत के संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव किसकी सिफारिशों के अनुसार किए गए थे। अभी मैंने दो तीन प्रीवियस क्वेश्चन जो थे उसमें बताया है इस बात को कि इसका सही ऑप्शन होगा कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था, जिसमें तीन मेंबर्स थे, एक तो थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, दूसरे थे पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, और तीसरे थे ए बी अलेक्जेंडर, ए बी अलेक्जेंडर। ये तीन मेंबर्स थे इस कैबिनेट मिशन में, और इसी ने सुझाव दिए थे कि एक संविधान सभा होनी चाहिए जो कि इस देश का संविधान बनाए। ठीक, यही पूछा जा रहा है। ठीक, आप मुझे ये बताइएगा कि जो कैबिनेट मिशन था उसमें ये तीन मेंबर्स हैं, इनमें चेयरमैन कौन था? इन तीनों में ही कोई एक चेयरमैन है, आप मुझे बताएंगे कि चेयरमैन कौन था। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा कि चेयरमैन कौन था। ठीक, आप मुझे इसका जवाब देंगे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
हू हैज द राइट टू कंस्टिट्यूट अ न्यू स्टेट और एल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, अर्थात एक नए राज्य के गठन अर्थात सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? इसका सही आंसर होगा द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद को। मेरे ख्याल से जो पहले जो लेक्चर हमने अपलोड किया था पार्ट वन, उसमें इस मतलब इसी तरह का एक क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था कि राज्य के गठन होने की शक्ति किसको दी गई है, तो पार्लियामेंट के पास है। देखिए हमारे जो संविधान में आर्टिकल 3 है ना, वो ये कहता है कि संसद के पास पावर है राज्यों के संदर्भ में, ठीक है, कि संसद क्या कर सकती है, राज्यों का नाम बदल सकती है, चार पावर से एक तो क्या कर सकती है, राज्यों में जिसका जो नाम है वो बदल सकती है, ठीक है, कभी भी किसी राज्य का नाम बदला जा सकता है, उसकी सीमा बदल सकती है, सीमा अगर उबड़ खाबड़ है, बाउंड्री ऐसी है तो उसको स्ट्रेट लाइन बना सकती है, ठीक, कभी भी जो राज्य का क्षेत्र है, एरिया है, उसे बढ़ा या घटा सकती है, किसी भी छोटे मोटे राज्य को बढ़ा कर सकती है, किसी भी बड़े राज्य को छोटा कर सकती है संसद, बिना राज्यों की परमिशन लिए हुए, याद रखिए। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पावर है कि राज्यों का गठन कर सकती है, किसी भी नए राज्य का गठन कर सकती है। कैसे, दो राज्य हैं अगल बगल, मान लीजिए यूपी और बिहार, यूपी से किसी छोटे से टुकड़े को काट ले और कह दे कि नहीं अब तुम क्या हो, एक नया राज्य हो, ये कर सकती है, या बिहार से भी एक छोटे टुकड़े को काट ले और इन दोनों को जोड़ दे और कहे कि नहीं अब तुम एक नया राज्य बन गए, ठीक, या तो ये करे कि यूपी से छोटा टुकड़ा है इसे पूरे बिहार में जोड़ दे और कहे कि अब ये नया राज्य बड़ा वाला बिहार से जोड़ दे, तो ये एक नए राज्य के गठन की जो पावर है वो भी संसद के पास है। तो आप ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 3 के द्वारा संसद को राज्यों के संदर्भ में चार शक्तियां दी गई हैं, राज्यों का नाम बदलने की, उनकी सीमाएं प्रदान करने की, उनके क्षेत्र को बढ़ाने घटाने की और राज्यों का गठन करने की, ठीक, और इसमें राज्यों से हम जो राज्यों से रिकमेंडेशन तो लेते हैं, जिस राज्य के संबंध में हमें कार्य करना है उससे रिकमेंडेशन हम लेंगे, लेकिन बाध्य नहीं होंगे हम उसके रिकमेंडेशन से, संसद जैसा चाहेगी वैसा कार्य करेगी, ठीक। तो इस प्रकार से आज हमने अपने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। ओहो, मैंने साथ में एक बोनस क्वेश्चन भी रखा हुआ है, तो आज का हमारा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और है कि इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विशेस टू रिजाइन देन टू होम शुड ही एड्रेसेस हिज रिजिग्नेशन लेटर, अर्थात यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया है, आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे, ठीक है, या मैं बता दूं, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो है अपना रिजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं अपना रिजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक। प्रेसिडेंट को बहुत से लोग जो होते हैं रिजिग्नेशन देते हैं, जैसे कैग, कंट्रोलर जनरल, यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं और जो अदर मेंबर्स होते हैं वो भी देते हैं, अटॉर्नी जनरल अपना रिजिग्नेशन देते हैं, ठीक है, फाइनेंस कमीशन में जो मेंबर होते हैं और चेयरमैन होते हैं वो देते हैं, जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वो अपना रिजिग्नेशन देते हैं, ठीक है, और जो भी पार्लियामेंट में जो भी क्या है पार्लियामेंट में जो भी मेंबर हो एमपीज होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या कोई मिनिस्टर है, ठीक है, या जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के, वो अपना रिजिग्नेशन किसे देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति को बहुत से लोग अपना रिजिग्नेशन देते हैं, याद रखिए, केंद्र स्तर पर जितने भी लोग हैं ज्यादातर वो राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है, बहुत कुछ ही लोग हैं एक्सेप्शन जो नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने अपने 16 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने जो पार्ट 14 था वो थोड़ा लेट अपलोड हो पाया है, एक दिन का गैप हो गया था क्योंकि मैं काफ़ी बिजी था अपने शेड्यूल में, ठीक है, मैं आगे से पूरी कोशिश करूंगा थोड़ा सा और रेगुलर हो जाऊं, ठीक। तो चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मैं आशुतोष सिंह साइन ऑफ हो रहा हूँ।